जिला मुख्यालय धर्मशाला में मंगलवार को बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बजरंग दल विभाग के सह संयोजक नरेश धीमान ने कहा कि चीनी सेना ने भारत के साथ धोखा किया है। उन्होंने कहा कि चीन वर्ष 1962 से भारत की दरियादिली का नाजायज फायदा उठाता आ रहा है। नरेश धीमान ने कहा कि पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना बॉर्डर पर चीन का मुकाबला कर रही है और देशवासी देश के अंदर चीन के सामान का बहिष्कार करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे। बजरंग दल मैदान में, सेना के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, सेना के सम्मान में, बजरंग दल मैदान में, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना मुर्दाबाद। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो चाइना ने जो भारत के साथ धोखा किया है, सन 1962 से जो भारत की दरियादिली का हमेशा से नजायज फायदा उठाता है, हम उसके खिलाफ़ आज चाइना के खिलाफ उसके खिलाफ हमने एक प्रदर्शन किया है और हम ये एकजुटता दिखाना चाहते हैं भारत की सेना के साथ, पूरे देश की, कि भारतीय सेना के साथ पूरा देश खड़ा है और सेना जो है वो बॉर्डर पे मुकाबला कर रही है चीनियों का और हम देश के अंदर उसके सामान का बहिष्कार करके उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करेंगे और पूरे भारतीय एकजुट होकर हम इसका विरोध करेंगे। आज जो हमारा दूसरा मेन मकसद ये भी है कि हम जितने भी हिमाचल के व्यापार मंडल हैं, हम उन सबको से यहाँ से अनुरोध करना चाहते हैं कि चीन का जो भी सामान है, जो भी चाइना के प्रोडक्ट जो है यहाँ पर इंपोर्ट किए जाते हैं, उन सबको वो उसको आगे आने वाले समय से ना लें। जो सामान पड़ा हुआ है उसको बेचने के बाद नया सामान इंपोर्ट करने का कोशिश ना किया जाए, क्योंकि आने वाले समय पर इसका विरोध बढ़ता जाएगा और इस मुद्दे को हम ठंडा नहीं होने देंगे जब तक चीन का व्यापार पूर्णतः या तो हिंदुस्तान से बंद ना हो जाए या फिर जब तक चाइना भारत के खिलाफ की हुई अपनी इन नापाक हरकतों से जो है अपने आप को पीछे ना हटाए, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और हम इसको गहरे तक लेके जाएंगे। हम इसे जितने होलसेलर से हम उनसे बात करेंगे, हम उन सबसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे। ये हमारा मेन मकसद है कि हम सिर्फ शोर डालना एक मकसद नहीं है, इसको हमने एक अमलीजामा पहनाना पूर्ण तौर पर। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।